हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी रसोई में। पुरानी सब्जियों को नई स्टाइल में लेकर के आई हूँ फ्रेंड। और दूसरा है बैंगन, देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे। बैंगन को जो कि सब्जी और दही बैंगन कहलाती है, बहुत ही टेस्टी है और एकदम न्यू स्टाइल में है। इसे आप बैंगन का रायता भी कह सकते हैं, बिल्कुल रायता के जैसा ही लगता है ये सब्जी। इसके लिए सबसे पहले मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही को बहुत खट्टा मत लीजिएगा, मीडियम दही होगा उसे ही रखिएगा। और इधर मैंने बैंगन को अच्छी तरह से धो के लंबा लंबा थोड़ा पतला पतला काट लिया है। बहुत पतला भी मत कीजिएगा, बहुत मोटा भी नहीं रखिएगा, मीडियम। मेरे पास मीडियम छोटे वाले बैंगन थे तो मैंने उसे लंबा लंबा काट लिया है। और अब इसे मैं हल्दी और नमक डाल के थोड़ा मिला लूँगी, अच्छी तरह टॉस कर लूँगी दोस्तों। और इधर कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर भी डाला है। तो इस तरह से हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ही मैंने नमक डाला है। और तीनों को डालने के बाद हमारे ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म होने चाहिए। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गए थे, उसमें मैंने अपने बैंगन को डाल दिया है। और बैंगन को एकदम हॉट ऑयल में ही हमें हाई हीट पर ही फ्राई करके निकालना है दोस्तों। अगर आप बैंगन फ्राई कर रहे हैं और अगर हीट को एकदम लो कर दीजिएगा तो बैंगन बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए बैंगन को आप जब भी फ्राई कीजिए मीडियम टू हाई पर ही रखे फ्राई कीजिए। बीच में मीडियम कीजिए, फिर हाई पर रखिए, लेकिन लो पर बिल्कुल भी मत रखिएगा। और इसी तरह से मैं सभी बैंगन को तल के निकाल लूँगी दोस्तों। मैंने दो मीडियम साइज के बैंगन लिए हैं। अगर आपके पास लंबे और वाले बैंगन है तो उसे आप गोल गोल भी स्लाइस काट सकते हैं। आप इसमें जिस तरह के भी स्लाइस काटना चाहें ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, लेकिन बहुत पतला भी मत रखिएगा ना बहुत मोटा। देखिए मैंने इसे इस तरह से मीडियम साइज में काटा है। दोनों तरफ से जब हमारे बैंगन सुनहरे हो जाएंगे तब मैं इसे निकाल के रख लूँगी फ्रेंड्स। और हमारे बैंगन इस समय एकदम अच्छे से, दही बैंगन के लिए मैंने बैंगन को फ्राई कर लिया था, वो पक गए, उन्हें निकाल लिया दोस्तों। अब मैंने इसमें जीरा और ब्लैक मस्टर्ड यानी काली वाली सरसों डाली है और दोनों को मैं तड़कने दूंगी। तड़कने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैंने करी लीव्स डाला है। अगर आपके पास करी पत्ता नहीं हो तो ऊपर भी ज़रूर डालिए, मेरे पास थोड़े से थे इसलिए मैंने कम डाला, आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। साथ में दो रेड चिली डालकर मैंने इसे अच्छे तरह से लाल होने दिया था। और अब मैंने जो दही को फेंट के रखा था उसे डाल दिया है। अभी हमें फ्लेम को एकदम लो रखना है, दही डालने के बाद तुरंत फ्लेम को लो कर दीजिएगा क्योंकि हमें दही में बॉयल नहीं आने देना है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा आप लगभग हाफ टी स्पून से ऊपर मैं नमक डालूँगी। उसके बाद मैं डेढ़ टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दूँगी, चीनी अवश्य डालिएगा। इसमें चीनी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा लगता है खाने में। और थोड़ा सा मैं रेड चिली पाउडर डाल दूँगी, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी क्रश करके डाल सकते हैं। बस इतना ही चीज़ डालूँगी। फ्लेम मैंने एकदम लो किया हुआ है क्योंकि दही में अगर बॉयल आएगा तो दही फट जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बस ये जैसे ही हल्का गर्म होते हैं बस इन्हें उतार लीजिए। करी लीव्स थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाला। मैंने लाल मिर्च का तड़का लगाया, आप चाहें तो हरी मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी डिश है फ्रेंड, ज़रूर बनाइएगा एकदम। इसे दही वाले बैंगन को किसी भी चीज़ के साथ खाइए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कैबेज बनाऊंगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले जीरा डाला है, साथ में ही मैंने खड़े गर्म मसाले डाल दिए हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, रेड चिली। साथ में ही मैं बड़ी इलायची भी डाल दूँगी फ्रेंड। और डालने के साथ ही मैंने आलू डाल दिया है, आलू को मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी। मैंने एक तेज़पत्ता भी डाला है, आपके पास जो भी खड़े गरम मसाले हो डाल दीजिएगा। मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, लौंग चार से पांच, एक टुकड़ा दालचीनी, तेज़पत्ता डाला है और थोड़ा सा मैंने जावित्री भी डाला है। और इसे अच्छी तरह से अब क्रैकल करने लगे तो मैंने आलू डाल दिया है, जीरा भी मैंने डाला था। और अब आलू को थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। इधर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर अदरक लहसुन और अनियन रखा है। और साथ में ही मैंने इसमें लाल मिर्च भी डाल दिया है। सभी मसालों को मैं तैयार करके रख लूँगी। इसके साथ ही मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला भी मिला दिया है दोस्तों।
आप चाहें तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने साथ में ही डाल दिया था। मेरे आलू तो कुछ थोड़ी देर अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसमें कैबेज डाल दूंगी दोस्तों। और कैबेज डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक एक बार चला लूँगी, और चलाने के बाद मैंने अपने सारे मसालों को डाल दिया दोस्तों। ये मसाले कैबेज भी के साथ पकेंगे, कैबेज अपना पानी रिलीज करेगा बंद गोभी, और उसके साथ ही ये मसाले भी भूनते रहेंगे, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने सॉल्ट डाल दिया है, और सॉल्ट डालने के बाद मैं इसे ढक दूँगी, जिससे कि ये अच्छी तरह से खुद के ही पानी में भूनते भी जाएँ, और कैबेज और आलू पकेंगे भी दोस्तों। देखिए दोस्तों, बीच बीच में इसे मैं खोल के चला रही हूँ। देखिए, इसमें पानी ऊपर से कभी भी नहीं डालिएगा, कैबेज में पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ये खुद के पानी में गलते हैं। और अब देखिए, मैंने जब थोड़े से ये पक गए, इनकी वॉल्यूम थोड़ी कम हो गई, तो मैंने इसमें हाफ से ज़्यादा थोड़ा शिमला मिर्च, मेरे पास बारीक कटे हुए थे, उसे मैंने डाल दिया। शिमला मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कैबेज में, तो इस तरह से आप लोग ज़रूर थोड़ा सा शिमला मिर्च अवश्य डालिएगा। और अब मैं फिर से इसे ढक के अभी पकाऊंगी दोस्तों। बीच बीच में मैं खोल के इसे चला रही हूँ, अभी भी मेरे कैबेज अच्छी तरह से थोड़े पके नहीं हैं, थोड़े और पकेंगे। ओवर कुक नहीं कीजिएगा, लेकिन कच्चा भी नहीं रखना है हमें। और देखिए, पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन खुद के पानी में ये अपने आप से पक रहे हैं फ्रेंड्स। और अब मैंने इसमें 3 टेबल स्पून पेस्ट किए हुए टमाटर को डाल दिया है। टमाटर का पेस्ट डालने से बहुत ही अच्छा खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है। और अब मैं फिर से इसे एक बार ऊपर से नीचे चलाऊंगी, और ढक के मैं फिर से इसे 5 से 7 मिनट तक छोड़ दूंगी दोस्तों। और जब फिर से पानी सूख जाएगा, देखिए दोस्तों, फिर मैंने इसे खोला है, लगभग 5 मिनट के बाद मेरे आलू पक गए हैं, लेकिन थोड़ी देर मैं इन्हें और ढक के छोड़ूंगी। मुझे सॉल्ट, मैंने टेस्ट किया, सॉल्ट मुझे कम लगे, तो सॉल्ट मैंने और डाल दिया है। सॉल्ट वैसे भी बाद में डालिए, क्योंकि कैबेज ज़्यादा लगती है, लेकिन बाद में पकने के बाद कम हो जाती है। और अब मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, और सॉल्ट डालने के बाद मैं चला के फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूंगी। और अब हमारी कैबेज की सब्ज़ी एकदम हो गई है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने और गरम मसाला डाल दिया है, बहुत हल्का सा गरम मसाला डालिएगा। और उसके बाद मैंने इसमें प्योर घी डाला है, और अगर आपको पसंद हो तो 1/2 टीस्पून आप इसमें चीनी भी डालिए। चीनी डालने से इसमें मिठास नहीं आती है, लेकिन इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो चीनी हो सके तो बस डालिएगा 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून छोटे टीस्पून से। और अब देखिए, हमारी कैबेज बिल्कुल रेडी हो गई है, मैं इसे सर्व कर दूंगी दोस्तों। दोस्तों, मेरे दोनों वेजिटेबल्स बहुत ही टेस्टी बने थे, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। इन घरेलू सब्जियों को पार्टी के जैसा डिश बनाकर अपने फैमिली और फ्रेंड को खिलाइए, सबों को ये बहुत ही पसंद आएगी दोस्तों, ये 100% मेरी गारंटी है, आप लोग अवश्य बनाइए। नई रेसिपी लाने तक मुझे आज्ञा दीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।